जिला श्री फतेहगढ़ साहिब के शहर बस्ती पठाना के राम मंदिर के नजदीक तेंदुआ देखने का मामला सामने आया है। इस मौके पर बातचीत करते हुए जसविंदर सिंह ने बताया है कि 1 बजे के करीब रात्रि वो रोटी खा रहे थे कि जानवरों की शोर करने की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने देखा तो जानवर उनके पशुओं पर हमला करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद उन्होंने उनको भगाया और बाद में उन्होंने पुलिस प्रशासन को इल्तिहा करके मौके पर पहुंचे और डीसीपी राजकुमार शर्मा, SHO हरविंदर सिंह और चौकी इंचार्ज प्रदीप सिंह, पुलिस पार्टी और लोगों की मदद से जानवरों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु कहीं नहीं मिले। वहीं बातचीत करते हुए जंगलात विभाग के हरिंदर हिना ने कहा है कि उनकी तरफ से मौका देखकर गाय और बकरी पर किसी जानवर के नाखून के निशान हैं और जांच की जाएगी ये निशान किसके हैं। उनके तरफ से पिंजरा भी लगा दिया गया है। सर मैं खाना खा के महाराज देखा तो मेरे जानवर बहुत बोल रहे सन। मैं देखा बाहर निकल के तो तेंदुए चीते वगैरह जानवर अटैक कर उन्होंने, मैं उन्होंने बचाने की कोशिश तो मैंने कुछ नहीं सूझा, ना मैं कुछ लभ्या नहीं। मैं अग बाल के उन्होंने भजाने की कोशिश करी और अपने जानवरों को खोल के भजा दिता गया जी। तो किन्ने जानवर से जी? 2 जानवर सन जी। ठीक है जी, तो फिर तुम दस रहे कुछ और बकरी का की? उन्होंने गावं तो मैं भजा दिखा गया, अगे सी बकरियां खड़िया सन जी मेरिया, उन्होंने बकरियां तो अटैक किया गया जी। जी जी जंगली जानवर बाकी आले दुआले सारे एरिए गश्त साडी जारी है, घबराने की लोड़ नहीं। शहर वासियों मैम डर का माहौल बने की अपील कर दो, की कहना चाहते हो? लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि घबराने की लोड़ नहीं हैगी, साड़ी जंगलात वालियां दी मतलब सारे स्टाफ की छानबीन असी कर रहे हैं पूरी प्रॉपर, तो गश्त साड़ी चल रही है 24 घंटे गश्त चल जारी रहती है, रात में भी हो रही है दिन च भी हो रही है, तो पिंजरा असी जरूर इतने लगा दिता हुआ है। बस ठीक, थैंक यू।